दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की लिखी हुई एक और पोएम द सन राइजिंग। ये जॉन डन का वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है। 1633 में इसको पब्लिश करवाया गया था, 1633 में। और आप ये कहोगे कि यहाँ पे सन की स्पेलिंग गलत है, तो दोस्तों सन की स्पेलिंग गलत नहीं है। ये उस टाइम पे सन की स्पेलिंग ऐसे ही लिखी जाती थी। फिलहाल जो इस पोएम का नाम है उसके अंदर सन की स्पेलिंग SUN ही है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ये पोएम की खास बात यह है कि इसके अंदर जॉन डन तारीफ़ नहीं करेंगे सन की कि सन तुम कितने अच्छे हो, ऐसा कुछ। बल्कि वो और उनकी बिलव्ड जब कमरे में सो रहे थे तो उस वक्त सन की किरणें अंदर आ रही थी, तो ऐसे कहते हैं कि तुम क्यों आ जाते हो रोज़ रोज़, क्यों परेशान करते हो, तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा हमको, जाओ इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, हमको क्यों परेशान करते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 स्टेंजा की पोएम है और ये स्टेंजा फर्स्ट है। दोस्तों पोएम को शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, द सन राइजिंग का मतलब होता है सूरज का उगना। तो पोएम की फर्स्ट लाइन में वो सूरज को बोलते हैं बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, कि ओ बिजी ओल्ड फूल काबू में ना आने वाले सूरज। अनरूली का मतलब काबू में ना आने वाला। व्हाई डज दाउ दस, इसका इस लाइन का मतलब है दोस्तों व्हाई यू गॉट अ बी लाइक दैट, हिंदी में तुम क्यों ऐसा करते हो। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, इस लाइन का मतलब है खिड़कियों से पर्दों से हमको जगाते हो, तंग करते हो एक तरह से। आई होप आपको पोएम समझ में आ रही है, ये 3 लाइनों का मतलब समझ में आया होगा। आगे बोलते हैं मस्ट टू दाई इमोशंस लवर्स सीजन रन। अब इस लाइन को ढंग से देखना क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि क्या तुम्हारे इमोशन के हिसाब से हमें यानी कि लवर्स को चलना पड़ेगा, क्या तुम्हारे हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अब ये 4 लाइनें हो गई। इसके आगे वाली लाइनों में डन उस सूरज को धिक्कार रहे हैं ये 3 वर्ड बोल के, सॉसी पेडेंटिक रच। अब दोस्तों इन 3 वर्ड्स का मतलब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर। तो आगे बोलते हैं गो चैट लेट स्कूल बॉयज एंड सावर प्रेंटिस, कि जाओ जाके लेट हो रहे स्कूल के बच्चों को परेशान करो। यहाँ दोस्तों चाइल्ड का मतलब है किसी को बॉदर करना, यहाँ पे चाइल्ड को बॉदर के सेंस में यूज़ किया है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, चाइल्ड का मतलब तो डांटना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड को बॉदर के सेंस में यूज़ किया है, परेशान करना, कि जाओ उन स्कूल के बच्चों को परेशान करो। और सावर प्रेंटिस का मतलब उन चिड़चिड़े लर्नर्स को डराओ जो रॉयल्टी के लिए काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन 3 वर्ड्स का मतलब आप लोगों को मुझे बताना है। आगे बोलते हैं गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, इस लाइन का मतलब यह है कि जाओ जाके राजा के दरबारियों से बोलो कि राजा जी शिकार पर जाने वाले हैं, शिकार पर जाने के लिए वो राइड करेंगे, तो उनको जा कर के बोलो ये चीज़। कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, और जाकर किसानों से बोलो। दोस्तों यहाँ पर कंट्री आंट्स का मतलब किसान, टू हार्वेस्ट कि उनके खेतों की हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑफिसेज, यहाँ पे देखो अगर किसी किसान का ऑफिस क्या होगा, किसान का ऑफिस होगा उसका खेत, तो उनके खेतों की हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है। क्योंकि लव ऑल अलाइक, क्योंकि प्रेम जो होता है वो बाकी सब की तरह नहीं, ऑल अलाइक, नो सीज़न नोज, ना तो वो कोई सीज़न जानता है, नॉर क्लाइम, ना वो कोई क्लाइमेट जानता है, क्लाइम का मतलब यहाँ पर क्लाइमेट है, नॉर आवर्स, ना वो घंटे जानता है, डेज, ना वो दिन जानता है, मंथ्स, महीने जानता है, विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, मतलब ये सब तो ये दिन घंटे ये मंथ्स ये सब टाइम के टुकड़े हैं एक तरह से। लव तो कभी चेंज नहीं होता, प्रेम तो वैसा ही रहता है। आई होप यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है। अब दोस्तों दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। थाय बीम्स सो रेवरेंट एंड स्ट्रांग व्हाई शुडस्ट थाउ थिंक, यहाँ दोस्तों बीम्स का मतलब है किरणें, और इन 2 लाइनों का मतलब यह है कि तुम्हारी किरणें बड़ी ग्रेट है, रेवरेंट का मतलब एक तरह से ग्रेट होना, बड़ी स्ट्रांग है, क्यों तुमको ऐसा लगता है। आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विथ अ विंक, दोस्तों यहाँ पे इक्लिप्स का मतलब है किसी को ग्रहण लगाना। तो यहाँ पे पूरी लाइन में पॉइंट बोल रहे हैं कि मैं तो एक पलक झपका के, विंक का मतलब पलक झपका के तुम्हारी रोशनी को ग्रहण लगा दूं, या फिर बादल ला दूं तुम्हारी रोशनी के सामने। क्लाउड देम का मतलब बादल ला दूं तुम्हारी रोशनी के सामने। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग,
लेकिन ऐसा करके मैं अपनी बिलव्ड से नज़रें नहीं हटा सकता। आई वुड नॉट लूज हर साइट का मतलब मैं उससे नज़रें नहीं हटा सकता सो लॉन्ग, ज़्यादा समय तक। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड थाइन, और मेरी बिलव्ड की ही आँखों से तुम ब्लाइंड ना हो जाओ तो कहना। ये कह रहे हैं इस लाइन में जॉन डन कि मेरी बिलव्ड की ही आँखें इतनी ब्राइट है कि उससे ही तुम ब्लाइंड हो जाओगे। लुक, देखो, सूरज को बोल रहे हैं वो, देखो। एंड टुमारो लेट कि कल लेट आना। टेल मी, और मुझे बताना। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन कि दोनों इंडीज़ की, वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़, दोनों के मसाले और माइन, स्पाइस एंड माइन वही हैं। बी वेयर दाउ लेफ्टेस्ट दैम जहाँ तुमने उन्हें कल छोड़ा था, और लाई हेयर विथ मी या फिर वो मेरे साथ लेटे हुए हैं यहाँ इस बिस्तर में। कहने का मतलब वो ऐसा कहकर अपनी बिलव्ड की तारीफ कर रहा है कि मेरी बिलव्ड में तो पूरा संसार समाया हुआ है। आस्क फॉर दोज किंग्स हुम दाउ सॉस्ट यस्टरडे एंड दाउ शैल्ट हेयर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन का मतलब यह है, और वो किंग्स जिन्हें तुमने कल देखा था, जिनको तुमने कल सुना था, ऑल हेयर इन वन बेड ले, सब यहाँ मेरी बिलव्ड के रूप में इस बेड पर लेटे हुए मेरे साथ में। कहने का मतलब यह है, वो कह रहा है कि मेरी बिलव्ड में ही सब कुछ है। ये लास्ट टेंजा है इस पोएम का। इसमें बोलते हैं शी इज़ ऑल स्टेट्स, मतलब वो अपनी बिलव्ड को स्टेट्स बोल रहे हैं, बहुत सारे राज्य। एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज, और उन सब स्टेट्स का प्रिंस मैं हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं, नथिंग एल्स इज। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, प्रिंसेस भी कुछ नहीं करते बल्कि हमको कॉपी करते हैं, प्ले अस का मतलब हमारी कॉपी करते हैं। कंपेयर टू दिस, अगर इसको कंपेयर करें, ऑल ऑनर्स मिमिक, सारे ऑनर्स मिमिक हैं, मिमिक का मतलब मिमिक्री जानते हो, तो मिमिक्री है सारे ऑनर्स इसके सामने। ऑल वेल्थ एल्केमी, और सारी वेल्थ एल्केमी है। एल्केमी का मतलब दोस्तों आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा जो मेटल को सोने में बदल देता है, तो एक तरह से वो नकली बात है कि नकली चीज़ को सोने में बदलना, तो सारी वेल्थ एल्केमी है। आगे बोलते हैं दाओ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, मतलब तुम हमसे तो आधे ही खुश हो कि ओ सूरज तुम आधे ही हमसे खुश हो। एंड दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है हम में। अब ये आगे वाली लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बोलते हैं दाइन एज आस्क्स ईज, मतलब तुम्हारी एज जो है, तुम्हारी उम्र अब आराम मांग रही है। ईज का मतलब आराम। और आगे बोलते हैं एंड सिंस दाय ब्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, लेकिन सिंस तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी हैं पूरे वर्ल्ड को गर्म रखने की, वार्म रखने की, दैट्स डन इन वार्मिंग अस, और हमें गर्म करके तुम ये काम करते हो। शाइन हियर टू अस, इधर हमारे पास तुम शाइन करो, जॉन डन और उनकी बिलव्ड के पास तुम शाइन करो। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम सब जगह हो। दिस बेड द सेंटर इज, ये बिस्तर तुम्हारा सेंटर है। दीज वॉल्स द स्पेयर, और ये दीवारें तुम्हारी कक्षा, ये चार दीवारी तुम्हारी कक्षा। स्पेयर का मतलब वो जगह जहाँ तुम घूमते हो, मतलब कक्षा, तो मतलब हमारे ऊपर ही शाइन करो, तो तुम्हें पूरे वर्ल्ड पे शाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम में ही सारा वर्ल्ड है। इन्हीं फाइनल लाइंस के साथ में ये पोएम ख़त्म होती दोस्तों।